पेन किलर भी नहीं है, मैं पेन किलर लेके आता हूँ। तुम्हें कुछ चाहिए? नहीं भाई। नंदनी तुम ठीक तो हो? या आई एम फाइन। पक्का? जी। ओके, मैं आता हूँ। लोग इतने चीप कैसे हो सकते? अरे बिना किसी वजह इतनी नफरत, सोशल मीडिया से लेकर अपनी गली तक एक दूसरे पे ताने मारना, घटिया रिमार्क्स, अरे दूसरों का दिल दुखा के क्या मिलता है इन्हें? अपने काम से काम रखे ना। लोगों के लिए यही तो सबसे मुश्किल काम है। अपनी लाइफ में तो कुछ करते हैं नहीं, दूसरों के ऊपर उंगली उठानी आती है इन्हें। चाहे सड़क पर किसी के ऊपर कमेंट करना हो, चाहे इंटरनेट पे। लूजर्स। फाइन, मैं इस घर में नहीं आऊंगी, बट व्हाट अबाउट माय डॉटर? ये तो यहीं रहती है ना, ये उस ह्यूमिलेशन और तमाशों से कैसे बचेगी जो अब यहाँ रेगुलरली होगा, स्पेशली आपके डिवोर्स के बाद। किंजल बेटा, क्या तुझे लगता है कि तेरा यहाँ रहना सही नहीं है? इसमें लगने वाली क्या बात है मिसेस शाह, इट इज ऑब्वियस। आई रियली फील बेटा, तुम्हें और पारितोष को इन सब झंझटों से दूर रहना चाहिए। देयर इज सो मच ऑफ नेगेटिविटी हियर। तुम दोनों की अभी अभी शादी हुई है, ये तुम्हारा हनीमून फेज है, लेकिन यहाँ हर वक्त कलेश, डिवोर्स की बातें, झगड़े, यही सब होते रहता है। तोशु बेटा, आई रियली अंडरस्टैंड कि तुम घर जमाई नहीं बनना चाहते, बट बेटा इस शहर में हमारे बहुत सारे फ्लैट्स हैं, तुम दोनों किसी एक में शिफ्ट हो सकते हो। और हाँ, पटेल नगर वाला पेंट हाउस तुम्हें बहुत पसंद है ना किंजल, तुम दोनों वहां क्यों शिफ्ट नहीं हो जाते? वहां शिफ्ट हो जाओगे तो रिश्ते भी बने रहेंगे और ये सब नेगेटिविटी और तमाशों से भी दूर रहोगे। तुम्हारे अगर इतने सारे घर है तो जाके उसे तोड़ना, हमारा घर क्यों तोड़ रही है, हमारे बच्चों को क्यों अलग कर रही है? इनाफ मॉम, आज वैसे हमारे घर में बहुत कुछ हो चुका है, अब आप और इश्यूज मत क्रिएट कीजिए। अरे मैं तो सिर्फ सजेशन दे रही हूँ बेटा, तुम दोनों ठंडे दिमाग से सोच लो फिर जवाब देना। और मैं तो यहाँ अमर, थैंक यू, मैं यहाँ इन पेपर्स पे तुम्हारे सिग्नेचर्स लेने आई थी, तुम्हारे लिए कुछ इन्वेस्टमेंट किए हैं, साइन कर देना, कल सुबह अमर को भेज के मंगवा लूंगी। सी यू देन। चिंगारी मैंने लगा दी है, अब देखना है धमाका कब होता है और कितना बड़ा होता है। देखा, अभी तो डिवोर्स हुआ नहीं है और असर दिखने लगा है। कभी सोचा नहीं था कि मैं ये कहूंगी, पर आज वो नागिन सच बोल के गई। तू तलाक लेगी पर उसका असर तेरे बच्चों के जीवन पर पड़ेगा। तुम दोनों को भी अगर लगता है कि राखी बहन सही बोल के कही है तो तुमको जो ठीक लगे करो, अपने और अपने खुशियों के बारे में सोचो, आने वाले कल के बारे में सोचो। वाह, अब समझ में आया, तुम्हें आजादी वनराज से नहीं अपनी जिम्मेदारियों से चाहिए, एक के बाद एक सबको घर से दूर कर रही है। अरे लीला, उसकी पूरी बात तो सुन लो। अरे क्या सुनूं, इसकी बात सुनूंगी तो दो दिन में हम भी रास्ते पे भीख मांगते नजर आएंगे, ये तो सबको एक एक करके घर से निकाल रही है। सॉरी बच्चों, मेरी वजह से अगर तुम दोनों को परेशानी हुई है तो सॉरी। नहीं मम्मी, आप प्लीज ऐसा मत कहिए, प्लीज। मम्मी मैं आपसे एक बात कहूँ? हाँ। अगर आपको सच में इस परिवार की चिंता होती ना, सच में इन बच्चों की चिंता होती तो आप कभी पापा को डिवोर्स नोटिस भेजती नहीं। मम्मी आप एक बार सोचिए तो सही कि आपके इस फैसले की वजह से हम सबको क्या क्या फेस करना पड़ रहा है। पापा घर छोड़ के चले गए, पाकी घर छोड़ के चली गई, बाऊ उदास रहती हैं, बापूजी पूरे दिन परेशान रहते हैं, समर की तो आज मारपीट हो गई मम्मी बाहर, किंजल की मॉम किंजल से मिलने घर पे नहीं आ सकते, हम दोनों मिलके अपने करियर पे फोकस नहीं कर पा रहे और अभी तो सिर्फ शुरुआत है मम्मी, आगे ना जाने क्या क्या होगा मुझे नहीं पता। मम्मी हमारा घर एक डेली सोप बन चुका है, पूरे दिन सिर्फ लड़ाई, नाटक, यही सब चलता रहता है।
मम्मी आपको डिवोर्स चाहिए ऑन व्हाट कॉस्ट? आप पापा से डिवोर्स लेके क्या अचीव करना चाहती हैं? आप एक माँ हैं, इस उम्र में माँ अपने बच्चों के बारे में सोचती है, आपकी तरह सेल्फिश नहीं हो जाती? शुक्र है घर में कोई तो है इसे सही और गलत की समझ है। इसमें क्या सही है, अनुपमा को अपने जीवन के फैसले लेने का कोई हक नहीं है। बापूजी ऐसे फैसले लेने का क्या फायदा जिससे पूरा परिवार बिखर जाए, घर के बच्चों को बाहर जाके लोगों से मारपीट करनी पड़े। बापूजी आज किस्मत अच्छी थी कि समर की लड़ाई घर के पास हुई है, अगर वो अकेला होता तो ये लोग ना जाने उसका क्या हाल करते। बापूजी बापूजी आप सोच नहीं सकते मेरे दिल पे क्या गुजर रही थी जब मैंने समर को मार खाते हुए देखा, मेरी जान सूख गई थी। अगर हम लोगों को बोलने का मौका देंगे तो वो तो बोलेंगे ही ना बापूजी, हम किस किस का मुंह बंद करेंगे? और हम क्या सारी जिंदगी यही करते रहेंगे, अपने माँ बाप की गलतियों की भरपाई करते रहेंगे? अपनी जिंदगी कब जिएंगे हम लोग? मम्मी मैं नहीं कह रहा हूँ कि पापा की गलती नहीं है, पापा की बहुत बड़ी गलती और हम सब जानते हैं ये बात, मगर आप वो गलती ठीक कर सकती थी, आपके पास मौका था, मगर नहीं, आपने वो गलती ठीक नहीं करी, क्योंकि आपके लिए आपकी जिद और आपकी ईगो हम सबसे ऊपर। भाई आप मेरे चोट की दवाई लेने आए और यहाँ के मम्मी के जख्म खुरेद रहे हो? अरे why can't you support her for once? समर तो चुप रहने। अरे पाकी तो बच्ची है। लेकिन आप तो घर के बड़े बेटे हैं ना, आप तो मैच्योर हो और आप ऐसी बातें कर रहे हो। बाहर वालों को क्या दोष देना जब घर के लोग ही मम्मी को नहीं समझ पा रहे। समर अरे उनके बेटे उनको सपोर्ट नहीं करते। अरे नहीं करना मुझे सपोर्ट समर, क्योंकि जो मम्मी कर रही है वो गलत है। हमें समाज में रहना समर, हम सबसे हर समय लड़ नहीं सकते। तुम्हारी मम्मी बिल्कुल ठीक कह रही थी, हमें यहाँ से चले जाना चाहिए, हमें उनके फ्लैट पे रहना चाहिए, और जब मम्मी खुद ही चाहती है कि हमें यहाँ से चले जाना चाहिए तो why not? लो, दो चले गए और दो जा रहे। तोशु बेटा ऐसे फैसले गुस्से में नहीं लिया करते। मम्मी ने भी तो डिवोर्स का फैसला गुस्से में ही लिया था ना बापूजी। लेट्स गो। क्यों तुम इतनी सरप्राइज्ड क्यों? इनफैक्ट तुम्हारे लिए तो अच्छा ही है ना, वैसे भी तुम्हें मम्मी से इश्यूज हैं। पता नहीं तोशु वजह क्या है, लेकिन जब भी मैं मम्मी के लिए पापा के अगेंस्ट स्टैंड लेती हूँ तो वो मुझे ही चुप करा देती है। हाँ मुझे मम्मी से इश्यूज थे, इसका मतलब ये नहीं है तोशु कि मैं घर छोड़ के चली जाऊँ। मैं मम्मी से अपसेट थी क्योंकि मुझे लगता था कि मम्मी पापा को लेकर कोई स्ट्रॉन्ग स्टैंड नहीं ले रही है, लेकिन अब जब उन्होंने स्टैंड ले लिया तो मैं उनको सपोर्ट क्यों ना करूँ। हाँ मुझसे भी गलती होती है, मैं भी कभी कभी बहुत ज्यादा बोल जाती हूँ, लिमिट क्रॉस कर जाती हूँ, पर मम्मी के समझाने पर मैं अपनी गलती भी रियलाइज करती हूँ। तोशु जॉइंट फैमिलीज में से झगड़े होते रहते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप घर परिवार छोड़ के चले जाओ। अरे परिवार अब बचा कहाँ है, पापा चले गए, पाकी चली गई, इसलिए आप भी चले जाओ। हाँ क्योंकि अगर मम्मी सिर्फ अपने बारे में सोच रही तो हम लोग भी अपने बारे में सोच सकते हैं। वाह भाई लाइफ में पहली बार मम्मी ने अपने लिए स्टैंड लिया है, बजाय उनको सपोर्ट करने के आप उनको डिस्करेज कर रहे हो। मैं उनको डिस्करेज नहीं कर रहा हूँ, मैं उनको समझा रहा हूँ समर, घर से चले जाने की धमकी देकर। धमकी नहीं है, मेरा डिसीजन है ये। अगर राखी आंटी आपको फ्लैट ऑफर न करती तब भी आपका यही डिसीजन होता भाई? हाँ मेरा डिसीजन यही होता, क्योंकि मम्मी मुझे जाने के लिए मजबूर कर रही है। मम्मी आपको मजबूर नहीं कर रही, आप मम्मी को मजबूर कर रहे हैं डिवोर्स का फैसला बदलने के लिए। अगर अनुपमा वनराज से तलाक लेना चाहती है तो उसमें कुछ गलत नहीं है। सही भी नहीं है। And why is right? For me, cool dude is right. अरे हम आपस में क्यों झगड़ रहे हैं? Right. हमें इस वक्त मिलकर मम्मी को सपोर्ट करना चाहिए। Don't you think so? ये खुदकुशी करने जा रही है और हमें से ताली बजाए, हौसला बढ़ाए, वाह भाई वाह, बहुत अच्छा कर रही है। I'm sorry, मुझे आपके फैमिली मैटर में बोलने का हक नहीं है, but I also feel that Summer is right. हमें अनु आंटी को सपोर्ट करना चाहिए। तू चालू गाड़ी में मत चढ़ और हमारे परिवार में दखल देने की जरूरत नहीं है। जाके अपने मासी को लिया जा। बस मेरी
की वजह से आप लोग आपस में लड़ाई झगड़ा मत करो। मैंने जो फैसला लिया है वो शायद मेरे उम्र की कोई औरत नहीं लेती, शायद इसीलिए आप सबको ये फैसला गलत लग रहा है, पर मेरे लिए ये फैसला गलत नहीं है, ये मेरा अधिकार है, ये वो रास्ता है जो मैंने बहुत सोच समझकर अपने लिए चुना है। जानती हूँ इस रास्ते पे बहुत मुश्किलें आएंगी, ठोकर भी लगेगी, हो सकता है मुझे आगे चल के अकेले भी चलना पड़े, पर मैं तैयार हूँ। मैं जितनी भी तकलीफें होंगी झेलूंगी, पर अपने परिवार पे कोई भी तकलीफ नहीं आने दूंगी। किसी को भी इस घर को मेरी वजह से छोड़ के जाने की जरूरत नहीं है। अगर कोई इस घर से जाएगा तो वो मैं। मुझे तो उसी दिन चले जाना चाहिए था जिस दिन इन्होंने मुझे घर से निकाल दिया था। देर से ही सही मेरी समझ में आ गया कि मेरा इस घर को छोड़ के जाना ही सही, इसलिए मैं इस घर से जाऊंगी हमेशा हमेशा के लिए। मेरे वजह से आप लोगों को परेशानी नहीं होगी। अगर मुझसे कोई भूल चूक हुई हो तो उसके लिए माफी मांगती हूँ। सॉरी, बहुत बहुत सॉरी। तू कहीं नहीं जाएगी अनुपमा, ये तेरा घर है और तू यहीं रहेगी। वाह, मेरे बेटे को तो एक बार नहीं रोका। नहीं रोका क्योंकि वो गलत था। और ये सही है। हाँ, आपके लिए मेरे बेटे के अलावा सब कुछ सही है और तेरे लिए तेरे बेटे के अलावा सब गलत है। इस देश के बेटे तब तक नहीं सुधरेंगे जब तक इस देश की माँ अपने बेटे की गलती देख नहीं सकेगी। आप मुझे सुधारिए, मेरे बेटे को सुधारिए, बस इसे कुछ मत कहिएगा। आपकी बेटी अपने पति से नाराज है और सजा पूरे परिवार को दे रही है। बापू जी, आप लोग मेरी वजह से झगड़ा मत कीजिए। ये सब तेरी जीत का नतीजा है, तूने इस घर को दो हिस्सों में बांट दिया है। सब मुझे बुरा समझे तो समझे, पर मैं तो वही बोलूंगी जो सच है। तेरी जिद की कीमत तेरे बच्चों को चुकानी पड़ेगी, दुनिया इनका जीना आराम कर देगी। मुझे दुनिया की परवाह नहीं है बा। और मुझे भी नहीं, परवाह तो अपनों की होनी चाहिए ना बा। तू चुप कर। अरे ये तो बच्चे है, ये दुनियादारी नहीं समझते, तुझे समझना पड़ेगा। तेरे ये फैसले का असर डॉली और दामाद जी पर भी पड़ेगा। डॉली के ससुराल वाले ताने मारेंगे, हजार सवाल पूछेंगे तेरी वजह से। दीदी, विजय कुमार ये बात कभी भी नहीं मानेंगे। अरे विजय कुमार नहीं, संजय कुमार। हाँ हाँ, वो जो भी कोई है, संजय कुमार ये बात कभी भी नहीं मानेंगे। दीदी, मेरी बेटी कहीं नहीं जाएगी लीला, और जिस किसी को भी मेरी बेटी के फैसले से परेशानी है उसके लिए घर के दरवाजे खुले हैं। लीला, दोषु तुझे बहुत परेशानी है तो तू जा सकता है बिना किंजल के। इस घर की लक्ष्मी घर में ही रहेगी। यस बापूजी। और लीला बापूजी, आप पास से कुछ नहीं कहेंगे। एक शर्त है, तू ये घर छोड़ के नहीं जाएगी, और अगर जाएगी तो तेरे साथ मैं भी जाऊंगा। मैं भी, जहां मेरी मम्मी वहां मैं। मैं भी। आप तो काफी लोनली हो गई दीदी, अब तो हार मान लो। आप सब तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे मैं इसे घर से निकाल रही हूँ। घर छोड़ने की जिद इसकी है, अगर इसे जाना होगा तो भी मैं नहीं जाने दूंगी। पर एक बात जरूर कहूंगी, आज जो कुछ हुआ वो एक शुरुआत है,
और बहुत जल्द तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारा फैसला गलत है। क्या हुआ भाई, तुमने दवाई नहीं ली? अरे रिया ही तो बोल रही थी वैसा। मिली नहीं मुझे। हाँ। सामान तुमने पैक किया था ना, वही साइड टेबल पे रखी थी मेरे। इट्स ओके काव्या, आई अंडरस्टैंड। तुम्हारा ध्यान कल कहीं और था, डोंट वरी। I'm sorry, V. It's okay, Kavya. Seriously. तुम मुझे दवाई का नाम बताओ, मैं अभी ऑर्डर कर लेती हूँ। दवाई का नाम भी याद नहीं है, वो तो समरा और अनुपमा देखते थे। और प्रिस्क्रिप्शन? प्रिस्क्रिप्शन तो केस फाइल में था। तुम केस फाइल भी नहीं लाए क्या? Anyway, तुम मुझे अभी कोई नॉर्मल पेन किलर दे दो, मैं कल समर से कहूंगा कि मेरी मेडिसिन और प्रिस्क्रिप्शन ले आएगा। ठीक है भी। कुछ भी कर लो, हमेशा कोई ना कोई कड़ी तो जुड़ी रह जाती है। क्या मतलब तुम्हारा नहीं आओगी? What? आज फिजिक्स का एग्जाम है और मैंने तो कुछ तैयारी भी नहीं की है। देखो सीमा, काम करना है ना तो सीरियसली करो, आना पड़ेगा तुम्हें। God, आज मेरा टेस्ट है और ना ही स्कूल बैग है ना यूनिफॉर्म, क्या करूंगी? भी आज मेड नहीं आ रही है, प्लीज तुम ब्रेकफास्ट में कॉर्नफ्लेक्स खा लेना। पापा, आई हैव टू गो टू स्कूल, लेकिन मेरी यूनिफॉर्म, स्कूल बैग सब घर पर है। भी फ्रिज में जूस है, प्लीज ले लेना। ओके, मैं विंटर को फोन कर देती हूँ, वो सब सामान ले आएगा। और एटलीस्ट आज के लिए ब्रेकफास्ट भी मंगवा लेती हूँ। वनराज के साथ घर की खुशी चली गई और पाखी के साथ घर की रौनक। सब सही हो जाएगा लीला। जब तक बहू सही नहीं होगी कुछ सही नहीं होगा। दिखा चोट कैसी है? ज्यादा दर्द तो नहीं है? दर्द देने वाली ही पूछ रही है कि दर्द तो नहीं हो रहा है। तू नीम के पेड़ के नीचे पैदा हुई थी? अरे दिन में एक बात तो मीठी बोल लिया कर। बापूजी, मम्मी वो बच्चों की मॉम्स भी आपसे क्लासिकल डांस सीखना चाहती है, तो वो पूछ रही थी कि आप एल्डर्स की क्लास अलग से ले सकती है। और दो दो क्लासेस कैसे ले पाऊंगी, वो स्कूल का भी काम है और फिर घर भी संभालना है तो। मम्मी, मैं और नंदू है ना आपकी हेल्प करने के लिए, और वैसे भी एक क्लास में थोड़ी ना अटके रहेंगे, एक एक क्लास आगे बढ़ाकर आपको डांस क्लासेस से डांस स्कूल तक पहुंचना है। ठीक छे, कोशिश करूंगी। यस, ये हुई ना बात। स्वीटी, स्वीटी उठाने बेटा, उसकी आवाज सुनूंगी। स्पीकर पे फोन रख ताकि पता तो चले वो बेचारी का वहां क्या हाल हो रहा होगा। वो मैदे की कटोरी ने उसे अब तक भूखा ही रखा होगा। हाँ बोल। अरे मैं कब से फोन कर रही थी विंटर, मैं क्यों नहीं कर रहा था? बिजी था। बोल तू, क्या हुआ? पूछ, दूध पिया क्या? ब्रेकफास्ट हो गया? नहीं, अभी तो कुछ भी नहीं खाया। हाँ तो खा लेना, लड़ने की एनर्जी मिल जाएगी तुझे। यहाँ पे सिर्फ कॉर्नफ्लेक्स है, वो भी पता नहीं कौन सा फ्लेवर, चॉकलेट फ्लेवर नहीं है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को। लड़की बड़ी अनजानी है, सपना है सच है कहानी है। आ रही है रुकमणी, खेलने आपके साथ आंख मिचोली, 22 जनवरी से शाम 6:30 बजे स्टार प्लस और डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर।